सम्मानीय सन्यासी वृंद, हमारे आदरणीय सब विद्वत मंडल, उपस्थित भाई और बहनों, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषि दयानंद जी ने लिखा है। उसी प्रकार से मनुष्य मात्र के लिए जितने भी उपयोगी कार्य और साधन हैं, वे सब के सब वेद के अंदर उपदिष्ट है। एक समझ लीजिए, एक पेशेंट है और उसको हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उससे देखा, देखने के बाद में उन्होंने हमारे आज के वेद सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी रामदेव जी मंच पर पधार चुके हैं। एक बार जोर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। गुरु वंदना कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। अनेक गुरु यहां पर उनके बैठे हुए हैं मंच पर, और गुरु वंदना का आदर्श स्थापित करते हुए मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। और मैं आदरणीय शास्त्री जी जो आपको उद्बोधन दे रहे थे उनको आमंत्रित करता हूं, वे अपना उद्बोधन कृपया जारी रखें। शास्त्री जी। परम आदरणीय आचार्य रामदेव जी महाराज पधार चुके हैं और इसी प्रकार से बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सभी आगे का प्रोग्राम भी आप सुनते रहेंगे। तो बंधुओं, मैं आपको कह रहा था, बतला रहा था कि उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को हमने डॉक्टर के पास में ले गए। डॉक्टर ने उसको जांचा और जांचने के बाद में उसको सलाइन लगाने का प्रयास किया। सलाइन लगाई लेकिन उस पेशेंट को सलाइन पास नहीं हो रही थी। उसके बाद में उन्होंने इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया तो इंजेक्शन भी उसको पास नहीं हो रहा था। ऐसी अवस्था के हो रही है कि अब औषधि सेवन नहीं कर सकता है और सलाइन उसको पास नहीं हो सकती है, और उस प्रकार से इंजेक्शन भी उसको कोई इलाज नहीं कर सकता है। ऐसे स्थिति के अंदर, ऐसी अवस्था के अंदर जो व्यक्ति मरणासन्न हो गया है उसके लिए क्या करे, यह बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे समय के अंदर वेद ये कहता है कि यदि क्षतायु यदि वा मृत्यु अंतिकम समीपे एव तम आहारामि औषधेन परम शतम शारदाय, ये अथर्वेद का मंत्र है। ऐसी अवस्था के अंदर उसके अंदर बतला दिया। दूसरा मंत्र उसके अंदर बतला दिया, नम तम अश्मा अनुन्दते नयनम शपतो अश्नुतते यम गंधभी सुरेन देवम अश्नुते। अर्थात इस वेद मंत्र के अंदर यह बात कही गई है कि हम यज्ञ चिकित्सा के द्वारा उस मनुष्य को ठीक कर सकते हैं, 100 वर्ष के लिए उसको हम अच्छा बना सकते हैं। और इसी प्रकार से वेद के अंदर बतला दिया है कि यज्ञ जो है केवल यज्ञ नहीं है, यज्ञ जो है ये धूम्र चिकित्सा है, यज्ञ वायु चिकित्सा है, और यज्ञ जो है भस्म चिकित्सा है, यज्ञ ध्वनि चिकित्सा है। इस प्रकार से यज्ञ ये 5 प्रकार की चिकित्सा है। तो बंधुओ, अधिक न समय लेता हुआ मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था और उनको 4 संतानें हुई थी। मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम पुत्र कामेष्ट यज्ञ है। इस पुस्तक के लिए एक आर्य समाज का विद्वान, एक आयुर्वेद का डॉक्टर, एक एलोपैथी का डॉक्टर और एक रसायन शास्त्र का प्रोफेसर
ऐसे चारों ने मिलकर हमने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक को एक महीने के पहले विमोचन किया। एक महीने के अंदर उसकी 5000 प्रतियां बिक चुकी है और ये हमारा यह है कि इसके अंदर हमने किसी प्रकार की औषधियों का प्रयोग नहीं किया है, केवल हवन के अंदर हवन सामग्री और घी और उसके अंदर समिदाय है, ये वेद और शास्त्रों का अन्वेषण करने के बाद में उसका प्रयोग किया और 31 दिन तक हमने हवन कर दिया। इस प्रकार के जिन भाइयों और बहनों को बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसे 10 दंपतियों पर हमने प्रयोग किया पुत्रेष्टि काम यज्ञ का और परमपिता परमात्मा से 10 में से 9 स्त्री पुरुषों को बच्चे हो गए हैं, ये आर्य समाज की सफलता है। तो बंधुओं, मैंने वेद का जो आपके सामने प्रत्यक्ष स्वरूप है वो प्रस्तुत किया है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है, वेद के आधार पर, यज्ञ के आधार पर। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को यहाँ विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।